हेलो फैमिली, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एस कैसी को जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है और उन दोनों का पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है। तो अब आगे, तो कैसी अपना दूसरा पोकेमोन चुनती है क्लॉस्टर को और एस अपना दूसरा पोकेमोन चुनता है बल्बसोर को और उन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाती है। और तभी कैसी अपने क्लॉस्टर को कहती है क्लॉस्टर आइस बीम अटैक और आइस बीम अटैक सीधा बल्बसोर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और तभी एश ये देखकर बल्बसोर को कहता है बल्बसोर रेजर लीफ अटैक और कैसी की क्लॉस्टर की आइस बीम और बल्बसोर की रेजर लीफ अटैक दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। और एश ये देखकर बल्बसोर को कहता है बल्बसोर पूरे स्टेडियम में रेजर लीफ अटैक करो और बल्बसोर ये सुनकर पूरे स्टेडियम में लीफ अटैक करता है और एक दो लीफ अटैक सीधा जाकर क्लॉस्टर को लगते हैं लेकिन क्लॉस्टर को कुछ नहीं होता। और तभी ये देखकर कैसी क्लॉस्टर को हाइड्रो बम अटैक करने के लिए कहती है और हाइड्रो बम अटैक सीधा जाकर बल्बसोर को लगने ही वाला होता है। तभी एस बल्बसोर को अपने वाइन व्हिप से जंप करने के लिए कहता है और आखिरकार बल्बसोर हाइड्रो बम अटैक से बच जाता है। और तभी और कैसी अपने क्लॉस्टर को आइस बीम अटैक यूज करने के लिए कहती है जमीन पर और बल्बसोर आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिरता है और पूरी जमीन पर बर्फ ही बर्फ था इसलिए बल्बसोर को संभलने में काफी ज्यादा मुश्किली हो रही थी। लेकिन एस कहता है कि बल्बसोर अपने वाइन व्हिप का यूज करो और अपने आप को संभालो। और थोड़ी देर बाद कैसे भी करके बल्बसोर अपने आप को संभाल लेता है और तभी एस कहता है बल्बसोर फ्रेजर लीफ अटैक और रेजर लीफ अटैक सीधा जाकर क्लॉस्टर को लगने ही वाले होते हैं। तभी कैसी क्लॉस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है और बल्बसोर की सभी रेजर लीफ अटैक क्लॉस्टर के कवच पे जाकर लगते हैं और क्लॉस्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है लेकिन उसे उतना भी कुछ खास नहीं लगता। और तभी एस बल्बसोर को कहता है बल्बसोर लगातार वाइन व्हिप अटैक यूज करते रहो और क्लॉस्टर प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। लेकिन बल्बसोर के वाइन व्हिप बार बार क्लॉस्टर के कवच पर लग रहे थे जिससे क्लॉस्टर का कवच टूटने पर आ चुका था। और तभी एस देखता है कि क्लॉस्टर का कवच टूटने ही वाला है। तभी एस कहता है बल्बसोर थोड़ी देर और लगे रहो और हम ये बैटल जीत जाएंगे। लेकिन क्लॉस्टर हार मानने वालों में से नहीं था। तभी कैसी अपने क्लॉस्टर को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए कहती है बल्बसोर पर लेकिन बल्बसोर फिर से वाइन व्हिप अटैक का यूज कर बच जाता है हाइड्रो पंप अटैक से। और कैसी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बल्बसोर बार बार बच जा रहा है। और तभी कैसी अपने क्लॉस्टर को कहती है कि क्लॉस्टर बल्बसोर के ऊपर बार बार लगातार हाइड्रो पंप अटैक यूज करते रहो और बल्बसोर काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है हाइड्रो पंप अटैक से बचने की लेकिन बल्बसोर हाइड्रो पंप अटैक से नहीं बच पाता और बल्बसोर को एक हाइड्रो पंप सीधा जाकर लगता है और बल्बसोर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी एस बल्बसोर को हवा में जंप करने के लिए कहता है और लीड शीड अटैक यूज करने के लिए कहता है क्लस्टर पर। और इस बार बल्बसोर कामयाब हो जाते हैं और लीड शीड अटैक सीधा जाकर क्लस्टर को लगता है। और तभी एस मौका देखता है और बल्बसोर को कहता है बल्बसोर सोलर बीम अटैक और थोड़ी देर में सोलर बीम तैयार हो जाती है और सोलर बीम सीधा जाकर क्लस्टर को लगती है और क्लस्टर सीधा जाकर दीवार में बैठ जाता है। और तभी रेफरी कहता है क्लस्टर ये मैच नहीं लड़ सकता आगे, तो विजेता है बल्बसोर। तो हमने देखा कि एस ने कैसी के दूसरे पोकेमोन को भी हरा दिए। अब हम आगे देखेंगे कि एस कैसी के तीसरे पोकेमोन को हरा पाता है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।